केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों इंदौर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जिसके बाद पार्टी के सभी आला नेता विधानसभा की तैयारियों में एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन जिले के वरनगर तहसील पहुंचे, जहाँ उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। वरनगर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बड़नगर में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चली है। बड़नगर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ता सहित विजय चौधरी मित्र मंडली ने कैलाश विजयवर्गीय का जोरदार स्वागत किया। बड़नगर विधानसभा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बड़नगर हमारा मजबूत क्षेत्र है। भाजपा का बड़नगर के लिए प्रत्याशी कमल का फूल है, यह सब कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना है। इस दौरान भाजपा नेता विजय चौधरी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए 100 गाड़ियों का काफिला लेकर बदनावर पहुंचे, जहां वहीं काफिले के साथ बड़नगर लेकर आए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का जोरदार स्वागत किया। जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए उम्मीदवार एक ही है सिर्फ, उसका नाम क्या है? क्या नाम है जरा जोर से बताइए, जोर से बताइए क्या नाम है उसका? हम कमल के लिए काम करते हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, किसी को भी टिकट मिले हम कमल के लिए काम करते हैं। कमल के लिए काम करना मतलब देश के लिए काम करते। पिछली बार बड़नगर में चूक हुई, आप सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, बड़नगर में कांग्रेस में दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, इतनी मजबूत पार्टी है यहां। आप विश्लेषण करिए कि हम क्यों हार गए, क्या हमसे कहीं चूक हुई, क्या हमसे कहीं भूल हुई, क्या? यदि भूल हुई और सुधार ले व्यक्ति तो वह इंसान। बड़नगर के स्थानीय शांति वाटिका गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने सभी कार्यकर्ताओं को एक विशेष मंत्र दिया कि कमल के निशान और भारत के हित के लिए कार्य करना है, चाहे पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाए। भाजपा पार्टी देश के विकास के लिए कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश में कई सराहनीय फैसले, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना योजना सरकार की उपलब्धियां, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भाजपा की उपलब्धियां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताए। देखिए, कुल मिलाकर डेमोक्रेसी के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए वोट लगता है, वहाँ दुर्भाग्य से वोट डालने नहीं दिया जाता, लोगों को फॉर्म भरने भी नहीं दिया जाता। और आपने देखा होगा कि एक महीने के अंदर 70 क्या ही हुई। मैं जब वहाँ 6 साल बाद लगभग 400 कार्यकर्ताओं के यहाँ, हिंसक राजनीति है और हिंसक राजनीति का जवाब हिंसा से नहीं दे सकते। हम डेमोक्रेटिक कंट्री दुनिया के सबसे बड़े, हम इसका जवाब प्रजातांत्रिक तरीके से देंगे। आपने देखा होगा पहले हमारी 4 सीट थी, फिर हमारी 70 सीट आई। अब मैं आपको बहुत दावे से कह रहा हूँ कि इस बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग साहस करके वोट डालने जाएंगे ममता जी के खिलाफ। देखिए, यदि मैंने आज सरेआम मैंने भाषण में, आपने भाषण में बोला और मैंने कहा कि कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, हमारी ही कोई कमी होगी शायद, हम इस कमी को दूर करें, इशारों में मैंने कह रखा। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग पार्टी के सिपाही, हमारा नेता जो निर्णय कर रहे हमें उस निर्णय के हिसाब से चलना चाहिए और हमें मान के चलना चाहिए कि हमारे नेता का निर्णय सही है। इन वक्त पर टिकट बदलना सही था, मैं इसके टिकट इतनी नहीं करूँगा।
बाकी हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति की निर्णय नहीं होता, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप में भी उस चुनाव कमेटी का सदस्य जिसमें ये सब निर्णय हुए, इसलिए जो भी निर्णय हुआ सब सामूहिक रूप से। आने वाले विधानसभा चुनाव माननीय शिवराज सिंह जी के चेहरे के साथ नहीं लड़ा जाए? चेहरा तो कमल का है और शिवराज जी क्योंकि मुख्यमंत्री है अभी, उनका चेहरा है। गौरतलब है कि पूरा शहर आज फ्लैग्स और होर्डिंग से पड़ा हुआ है। इस दौरान सबसे अधिक होर्डिंग और फ्लैग्स भाजपा नेता विजय चौधरी के थे। आपको बता दें कि भाजपा नेता विजय चौधरी कैलाश विजयवर्गीय बेहद करीबी माने जाते हैं। इसी के साथ मंच पर भाजपा के पूर्व विधायक मुकेश पांड्या सहित वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता एवं युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे।